आपने मेरे बेटे को चोमू बोला और वो मुझसे बोल रहा है कि पापा ये चोमू चोमू क्या होता है। स्वागतम मित्रों एंड मित्राणियों। तो पिछले वाला जो प्रैंक कॉल था वो आप लोगों को बहुत पसंद आया और मैंने आपसे पूछा था कि किस पे करना है अगला प्रैंक। तो आप में से काफी सारे लोगों ने देविका गुप्ता बोला। वो बात अलग है, मेरी ज्यादा बात नहीं होती देविका से, पर मेरे पास देविका का नंबर है तो हम ट्राई कर सकते हैं। बाकी तो जैसे मैंने देविका की वीडियोस देखी है, मुझे लगता नहीं है कि वो हमारे जाल में फंसेगी। देखना कहीं पोपट ना हो जाए, पर ट्राई करते हैं। अब इतने सारे लोगों ने बोला है, बाकी अगला प्रैंक किस पे करना है आप वो भी बता सकते हैं जब तक मैं कॉल करता हूँ। और हाँ, ऐसा है कि मैं देविका से बोलूँगा कि मैं एक अंकल हूँ जिसके बेटे को देविका ने रोस्ट किया है और ये अच्छा नहीं किया। तो अपन देविका पर मतलब थोड़ा बहुत गुस्सा करेंगे तो देखते कैसा रिएक्शन होता है। हे भगवान, मेरे को हंसी आ जाए, हंसी ना आ जाए बस। हेलो, हेलो। देविका बोल रही हैं? जी कौन? हाँ देविका, मैं विकास बोल रहा हूँ। मैं जी, किससे बात करनी है आपको? देविका, मुझे आपसे ही बात करनी है। मैं नहीं जानती विकास को किसी। नहीं देविका, आप मुझे नहीं जानती हैं, पर मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। ओके हाँ बताएं। देविका जी, दरअसल बात ऐसी है कि मेरा एक बेटा है जिसकी एज अभी लगभग 15-16 साल की है, और वो आपकी वीडियोस बहुत देखता था। आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हैं ना? हाँ जी। जी, वो आपकी वीडियोस देखता था और एक दिन आपने मेरे बेटे को ही रोस्ट कर दिया। क्या करता है आपका बेटा? मेरा बेटा भी यूट्यूब पे वीडियो बनाता है। दरअसल देखिए बात ऐसी है, वो बहुत निकम्मा था, वो कुछ नहीं करता घर में काम, और उसने फिर वो उससे हम कहते हैं झाड़ू लगा पोछा लगा, वो कुछ भी नहीं करता। और फिर वो किसी प्रकार उसने चालू किया कि वो यूट्यूब पे कोशिश कर रहा था, और आपने उसको डिमोटिवेट कर दिया रोस्ट करके। और जैसा मैंने आपकी वीडियो देखी, आप उसको चोमू कह रही थी। क्या बेटा, चोमू बोला था? हाँ, ये चोमू क्या होता है देविका जी? क्या क्या? आपने मेरे बेटे को रोस्ट किया और उसमें आप उसको चोमू बोल रही थी। तो मेरे बेटे ने मुझे वो वीडियो दिखाई कि पापा देखिए मुझे दीदी रोस्ट कर रही है। तो मैंने आपका नंबर बड़ी मुश्किल से निकाला है, और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको किसने हक दिया बताइए? मेरा बेटा जो है बेचारा इतना भोला भाला है, किसी काम का नहीं है वो, पर किसी तरह से वो काम कर रहा था, और देखता हूँ तो मैं आप उसको रोस्ट कर रही हैं। आपके बेटे ने कोई हरकत ऐसी करी होगी? मैं फालतू में तो किसी को कुछ बोलती नहीं, और वीडियो तो सब मजाक के लिए होती है। आप इतना सीरियस हो गए तो थोड़ी चलेगा। नहीं देविका जी, देखिए बात ऐसी है कि मेरा बेटा जो है उसका जो दिल है वो बहुत नाजुक है, और वो अभी इतनी सी उम्र में आपने तोड़ दिया है उसका दिल। अब मेरे को नहीं पता मैं उसको कैसे समझाऊं कि वो दोबारा वीडियो चालू करे। वो तो कह रहा है आपने उसका करियर ख़त्म कर दिया। ऐसा थोड़ी होता है यार। अब मैंने उसको बहुत आपका समझाया नाम विकास देविका शर्मा, जी। आपका अंकल ही बोल लेती हूँ। अंकल जी, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं देविका जी, देखिए आप मुझे या तो और एक बात बोलो, बताइए। आपका बेटा आपने उम्र बताया 15-16 साल का है, जी उसको बोलो पढ़ाई करे, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर वीडियो बना रहा है तो जिगरा रखे कि कोई उसको कुछ बोले तो सह ले। नहीं देविका जी, देखिए ऐसा है कि हर इंसान कोशिश करता है कुछ ना कुछ करने की। हमने पहले उससे कोशिश करी, हमने उससे झाड़ू पोछा सब लगवाने की कोशिश करी, उससे कुछ भी नहीं होता आप है ये देविका बताएं जी। मेरे को कि कौन सी वीडियो में मैंने आपको बेटे को कुछ बोला है, क्योंकि जहां तक मेरे को याद है मैं किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलती। मैं नहीं किसी को टारगेट तो करती ही नहीं, उनकी हरकतों पे कमेंट करती हूँ। नहीं देविका जी, आपने काफ़ी बच्चों को रोस्ट किया। मेरा बेटा भी आपकी वीडियोस देखता था और वो काफ़ी हंसता था, और फिर एक दिन वो रोने लग गया आपकी वीडियो देख के, आपने क्योंकि उसको ही रोस्ट कर दिया। अरे तो आपके बेटे ने कुछ हरकत ऐसी करी होगी, और कौन सी वीडियो में रोस्ट किया मैंने, आप ये बताए ना पहले मेरे को। अच्छा और अच्छा आपके बेटे अच्छा ने किया क्या था ये बताया आप मेरे को, तब आप मैं पहले बोलूंगी मुझे ना कि हाँ मैंने ऐसा क्यों बोला। आप मुझे एक बात बताइए कि ये चोमू का क्या मतलब होता है? प्रोमो जी, आपने मेरे बेटे को चोमू बोला और वो मुझसे बोल रहा है कि पापा चोमू ये चोमू चोमू क्या होता है? चोमू तो मैंने किसी को नहीं बोला है वीडियो में। आप तो गलतफहमी हुई है, किसी और ने बोला होगा। देविका आपका ही नाम है ना? देविका गुप्ता आपका ही चैनल है ना? जी देविका मेरा ही नाम है। हाँ जी ठीक, मेरा ही नाम है, मेरा ही चैनल है, लेकिन मैंने चोमू तो नहीं बोला है किसी को। जी, चोमू जैसा ही कोई शब्द था वो। पहली बार तो मुझे भी हंसी आई थी, पर जब मुझे पता चला आपने मेरे ही बेटे को बोला है तो वो गलत हुआ।
आप हंस रही हैं अब आप देविका खुद जी? मान रहे हो आपका बेटा चोमू है, तो इसमें मैं क्या करूंगा। नहीं देविका जी, देखिए बात ऐसी है कि दूसरा कोई कुछ भी किसी को बोले उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, पर अगर हमारे बालक को कोई कुछ बोल देता है, देखिए हमने उसको अपने कलेजे से लगा के पाला है, ठीक है, हमने हमने अपनी खून पसीने की कमाई जैसे भी हमने उसको बहुत मुश्किल से पाला है, और अब जाके उसको कुछ काम करने का सूझा। वो यूट्यूब पे कोशिश कर रहा था लोगों को बताने की कैसे व्यूज़ आए उनकी वीडियोस पे, और आप उसको ही रोस्ट करके कहती हैं कि नहीं तुम नहीं सिखा सकते। देविका जी माना उसके चैनल पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, पर वो कोशिश कर रहा है हमारा लड़का जी जान से। अरे अरे अंकल जी, इतने सीरियस होने वाली कोई बात नहीं है। आपके लड़के को बोलो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करे, मैं उसको बात करके समझाती हूँ। ऐसा नहीं होता है, अगर उससे कुछ ऐसी हरकतें करी होगी तभी मैंने उसके ऊपर कुछ बोला होगा, वरना मैं ऐसे कुछ फालतू बोलती नहीं हूँ किसी को। जितने लोग वीडियो देखते सबको पता है। नहीं देविका जी, वो तो अब हो गया, अब मैं जा रहा हूँ आपके ऊपर डिफेमेशन का केस करने। अभी तो ये लॉकडाउन की वजह से दिक्कत चल रही है, बाकी आपके घर पे अब तो लॉयर का नोटिस आएगा देविका जी, जी क्या अब तो आपके घर पे लॉयर का नोटिस आएगा। और हमारे यहाँ पे पड़ोस में ही रहते हैं रमेश जी, वो लॉयर हैं, उनसे हमने बात कर लिया, वो कह रहे थे ठीक है ये चोमू वोमू जो भी बोला है बेइज्जती तो हुई है आपके लड़के की, तो उसका तो फिर केस तो होगा देविका जी अब। अरे अंकल जी, आप तो मतलब नहीं यार देविका जी, देखिए जब मम्मी फंसे हुए। आप मेरे को पापा वीडियो बताएं पहले, कौन सी वीडियो थी, आप मेरे को वीडियो बताएं पहले। वीडियो, देविका जी मैंने तो देखी नहीं है, मैं उससे बात क्यों, कौन सी वीडियो थी राजू, क्या तुम्हें नहीं मिल रही? देविका जी वीडियो तो अब ढूंढनी पड़ेगी, उसको मिल नहीं रही है। बाकी देख लीजिए आप, आपसे अब कोर्ट में मुलाकात होगी देविका जी। अब देखिए अंकल जी, आप इतना बोल रहे हैं तो मैं आपको बता दूं साफ साफ कि मैंने आपके लड़के को इतना कुछ बोला नहीं होगा। लोग कान गलौज करते हैं, मैंने वो कुछ किया नहीं होगा। उसकी हरकतों तो पे कुछ बोला होगा, निद्दे वाली हरकत कर रहा होगा कुछ, तो उसी पे बोला होगा मैंने। और आपको अपने लड़के की इतनी फिक्र है अंकल, तो आप क्या बोलते हैं लड़के को, बोलो पढ़ाई लिखाई करे। नहीं देविका ये जी सब क्या पढ़ाई कर रहे हैं, लिखाई कुछ उससे कर रहे हैं होती यूट्यूब पे, नहीं कुछ है कर रहे हैं तो कुछ अच्छा करें, देविका जी, कुछ उसके अच्छा लिए इंडिया काला के अक्षर भैंस अंदर बराबर वो बच्चों वाली बहुत नकल। कोशिश करता है, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, मैंने बहुत कोशिश करी पढ़ाने की, वो नहीं पढ़ पाता वो। अभी अंकल जी आप ही बोल रहे हैं, आप खून पसीना बहा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उसको पढ़ा लिखा रहे हैं, तो आपका पैसा तो बर्बाद वो कर रहा है ना। आप मेरे को कैसे बोल रहे हैं कि मैंने उसकी वीडियो को कुछ बोल दिया तो वो बर्बाद हो गया, तो वो पैसा आपका बर्बाद कर रहा है। पर देविका जी ये भी तो समझिए, वो कोशिश भी तो और कर मैं, रहा और अंकल जी मैं 100% श्योर हूँ कि मैंने कुछ उल्टा नहीं बोला होगा किसी को। मैंने आज तक किसी को कुछ इतना हार्ड वर्ड यूज नहीं किया जिसको इतना फील हो जाए किसी बंदे को। हाँ, मैं रजत बोल रहा हूँ, देविका प्रैंक अरे कर नहीं, अब तो मेरे को वीडियो जाननी है रहा था। अरे तुम्हारे यार अरे यार, मैंने मैंने शब्द क्या सोचा अजीब सा कि कमाल करते चोमू हो। चोमू, तुमने कभी चोमू वर्ड यूज नहीं किया यार, मैं कितना बोलता हूँ। वैसे मेरे को आवाज पहचाने पहचानी लग रही थी, हाँ मेरे को लग रहा था कहीं इसीलिए वही पहचान ना ना, जाओ आप तुम। मुंह में गुटका दबा के बोल रहे हो तो मुझे समझ में आए। मैंने इतनी मुश्किल से एक वर्ड सोचा था कि शायद तुमने बोला हो कभी वीडियो में। अरे यार मेरा चोमू वर्ड मिस हो नहीं गया। नहीं चोमू मैंने अब बोलना स्टार्ट किया लास्ट वीडियो से, मैंने इससे पहले चोमू बोला ही नहीं है कभी किसी को। नहीं मैं तो खूब चोमू बोलता हूँ। और वैसे भी बच्चों वाली जितनी भी वीडियो थी, ये बनी पी वाली, यूट्यूब से कुछ ज्यादा ही प्यार है मेरे को, मतलब यूट्यूब को कुछ ज्यादा ही प्यार है मुझसे, और मैंने वीडियो चलो डिलीट कर दी मेरी। कोई बात नहीं, मैंने तो पैसे भी प्राइवेट कर ली जैसे मुझे पता चला। चलो ठीक है आपके तो मैं कह ऊपर, रहा हूँ मेरे को वीडियो बताओ, मैंने किस वीडियो में बोल दिया तुझे, इतना हाइपर हो गया बंदा। आपके ऊपर एक सक्सेसफुल प्रैंक हो चुका है, ये व्लॉग चैनल पे आएगा, जरूर देखें इसको। अरे बिल्कुल बिल्कुल देख लेंगे अपनी बेटी। चलिए ठीक है, फिर करते हैं ना बाद में बात। हेलो ठीक है देविका जी, बाद में बात करते हैं अब आपसे। हाँ ठीक है, बाद में बात कर लेना। और सुनो, मेरे चैनल की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देना हाँ ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक है, चलो बाय बाय है, चलो बाय। बाय, धन्यवाद। मोबाइल का गया, अरे यार।
डिफेमेशन का केस हो जाता, मजे ही आ जाते। ऐसी आवाज़ बनाने में बड़ी दिक्कत होती है यार, पिछली बार बच्चे की बनाई थी, इस बार अंकल की बना ली। और मेरे को आवाज़ बनाना वैसे ज़्यादा अच्छे से आता नहीं, इसलिए मुझे डर था कि कहीं वो पकड़ ना ले। बाकी तो मेरे बालों को क्या दिक्कत है, भगवान जाने। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं बेस्ट। और हाँ, देविका के चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इंस्टाग्राम की भी, आप चाहे तो जाके सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाती हैं वो। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं और किस पे प्रैंक करना चाहिए। और चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, कर लो, कब करोगे, इतने सारे लोगों ने नहीं किया, करो फिर और प्रैंक करेंगे, मज़ा आएगा। और जितने भी लोग बोलते हैं ट्रिगर्ड इंसान पर प्रैंक करूँ, तो भाई ट्रिगर्ड इंसान का नंबर नहीं है मेरे पास, मैं कैसे करूँ। धन्यवाद।